फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम आपको स्पेशल दिखाने वाले हैं। स्पेशल ऐसा कि नॉर्मली आपने इंडिया में फ़ोटो स्टूडियो विज़िट किया होगा कभी ना कभी, और आप कभी ना कभी तो फ़ोटो स्टूडियो गए होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है चाइना में फ़ोटो स्टूडियो, और कैसा यहाँ पे प्रोसेस होता है उसका, और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो बने रहिए और हम लेके चलते हैं आपको। तब तक के लिए ये वायु सो रहा है, अभी से सो गया वो तो। और ये मम्मा वायु को लेके बैठी हुई है। हेलो मम्मा। आज टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही लो हो रखा है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है आज। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पे है स्टूडियो। तो आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आगे का। ये है स्केटबोर्ड का ट्रैक, यहाँ आके आप एक्टिविटी कर सकते हो स्केटबोर्ड का। कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। ये है, ड्रेसेस देख रहे हैं, प्रिंसेस वाली ड्रेसेस, ये बहुत कॉस्टली है। ये अराउंड आपको पड़ेगी 2000 का, आपको एक फ़ोटोशूट पड़ेगा यहाँ पे 2000 RMB का एक फ़ोटोशूट पड़ेगा इस पर। ये सारे प्रिंसेस वाली ड्रेसों के बहुत एक्सपेंसिव है। ये तो सारी प्रिंसेस वाली ड्रेसेस है। ये तो वायु ने कपड़े जूते सब सेलेक्ट कर लिए हैं बर्थडे के फ़ोटोशूट में। अब देखते हैं आगे क्या है। वायु के कपड़े चेंज किया जाएगा। अंदर से कुछ ऐसा दिखता स्टूडियो। ये
पूरे इनके सेटअप लगे हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे स्टूडियोज जैसे। ये सब शायद आपने अगर वायु का फेसबुक पेज फॉलो किया हुआ तो आपने देखा होगा ये सब आइटम, जिसके साथ वायु के बहुत सारे फोटो हैं। शूट के लिए हमारे कैमरा मैन है यहाँ पे। इतनी सारी मेहनत लगती है उसको एक जगह पे बैठाने के लिए और हंसाने के लिए, वरना वो भाग भाग के जाता रहता है यहाँ से वहाँ। देखो डैडी को बंदर बनना पड़ता है। फिर से रीटेक के लिए वापस बैठाओ, उसको इंटरटेन करना ज़रूरी है वरना वो भाग जाता है एक जगह से। जैसे जब छोटा था तो बहुत इजी था, जैसे जैसे बड़ा हो गया है बस एक जगह से भाग जाता है। मुझे छुपना पड़ता है, अगर वो मेरे को देख लेता है ना तो मेरे पीछे पीछे भागता है, इसलिए मैं इधर साइड से उसको देख रही हूँ। यहाँ पर पूरा सेटअप लगा जाता है, जिस तरह का ड्रेस वैसे अकॉर्डिंगली पीछे सेटअप लग जाता है। ये देखिए ऐसे बहुत सारे रूम बने हुए अलग अलग ड्रेस का। अगर देखे तो जरा वायु कैसे पोज दे रहा है, वो देखो वो वहाँ पे बैठा है, सब इंटरटेन कर रहा है वायु को कि एक अच्छा पोज दे दे। वायु के अभी दूसरे कपड़े पहनाएंगे, इसके कपड़े चेंज हो रहे हैं वाली। अभी एक फोटोशूट कंप्लीट हुआ, अभी स्टिल दो बचे हुए हैं, अभी इसके दूसरों कपड़ों में होगी। बच्चों का फोटोशूट बहुत डिफिकल्ट काम है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चे। एक सेकंड नहीं खड़े होते, एक सेकंड नहीं बैठते कहीं से, पूरे टाइम रोते रहते हैं। और उसमें भी फ़ोटो शूट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, देखो कैसे हो रहा है। सेट लग गया उसे। उसको वहां बिठाया, वापस प्रॉप सीधा किया, अभी देखो भागना चालू उसका। वायु का भी सेकंड शूट भी हो गया, अब थर्ड शूट बाकी है। थर्ड शूट में उसको जेंटलमैन बनाया जाएगा। अभी
शो। फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर अपॉइंटमेंट लेके आने के बाद आपको ये कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा और आपके सारे फ़ोटोज़ इस पर मिल जाएंगे। तो आपको इसमें से फ़ोटो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अराउंड 30 फ़ोटोज़ आपको सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप एल्बम क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए। तो ये सारे सिस्टम्स हैं यहाँ पर जिस पर आप फ़ोटो सेलेक्ट करें। सैम्पल्स है ये सब, तो ऐसा कोई सा भी एल्बम आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, और फिर आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ ऊपर अलग से ये सब फ़ोटो ऐसा फ्रेम अगर आप घर पे करवा के रखना चाहते हो तो सारे सैम्पल्स हैं। वायु गेम खेल रहे हैं। हेलो मिस्टर वायु, वायु मिस्टर जेंटलमैन बने हुए। मामा का मेकअप चल रहा है। क्या बन रही है प्रिंसेस? मामा अपने सैंडल चूज कर रही है। मिस्टर वायु भी रेडी हो गए। मामा का फोटो शूट चल रहा है वायु के साथ। फाइनली हमारा फोटोशूट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सब निकलने वाले हैं। अभी बस फाइनल प्रिपरेशन चल रहा है। अब वायु ने अपने कपड़े चेंज कर लिए, पप्पा ने भी चेंज कर लिए हैं। बस अभी मम्मा गई है कपड़े चेंज करने के लिए। मम्मा एल्बम चूज करेगी कौन सा एल्बम लेना है मम्मा को। मम्मा ने ये वाला एल्बम चूज किया है। अभी मम्मा कलर चूज करेगी कौन सा। मम्मा ने ये एल्बम और ये कलर चूज़ किया हुआ है। अभी हमको इनको बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा वाला चाहिए, फिर ये वैसे ही प्रिपेयर करके देंगे। वायु का खाना हो रहा है। तो फाइनली हमारा फोटोशूट कंप्लीट हो गया आज का। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस शॉपिंग मॉल को। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं लाइन बाय लाइन, और ये फ़ोटो स्टूडियो वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर फोटो इन लोग चार्ज करते हैं, और इवन जो ड्रेसेस हैं उसके लिए भी ये चार्ज करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे पैकेज लिया जाता है। पैकेज इज़ अराउंड 15,000 से लेकर 20,000 तक होते हैं। 15,000 आरएम मीन्स ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपए के पास हो जाते हैं।
बेसिकली आपको फोटो स्टूडियो ही मिलेंगे, सारे फोटो स्टूडियो ही है यहाँ पे। ये भी एक स्टूडियो ही है यहाँ का। कैसा लगा रखा बाहर इन लोगों ने फोटो का शोकेस किया इन लोगों ने। ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा इसका। कुछ लाइटिंग का इन लोगों ने लगा रखा है यहाँ पे। तो आज का फोटो शूट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम कैब बुक करेंगे और उसके बाद कैब लेकर फिर हम घर की ओर निकलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर कुछ नया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।